बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूँ अजीज रहमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देसी पेंट ऑफिशियल। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बार बार मिलते रहें। जैसा कि आपको पता है कि रमज़ान का महीना जा रहा है, चल रहा है और सब लोग यही कोशिश करते हैं कि हर एक इंसान की यही कोशिश होती है कि मेरा रोज़ा जो है वो ना छूटे। लेकिन रोज़ा रख कर भी कुछ लोग इस तरह के काम करते हैं कि जो है वो दूसरे लोग रोज़ा रखने के बगैर भी वो काम नहीं करते। जिसने रोज़ा नहीं रखा होता वो भी इस तरह का काम नहीं करता जो लोग रोज़ा रख कर करते हैं। जैसा कि मैं एक दिन एक लड़के से सुन रहा था, वो कहते थे कि यार वो देना आ गया, तो देना आ गया ना, सिर पे टोपी थे, हाथ चूड़ी पड़ी होंगी। तो इसका मतलब ये था कि लोग सर पर टोपी रख कर हाथ में तस्बीह पकड़ कर दुकान में बैठे हों और जो सेब 200 रुपए किलो मिलते हैं वो 400 रुपए देंगे, जो खजूर 150 रुपए मिलती है वो 250 देंगे, और जो दूध 200 रुपए या फिर 100 रुपए मिलता है वो 120-130 रुपए देंगे, जो आटा 70 रुपए किलो मिलता है या 60 रुपए किलो मिलता है, जो आटा 40 रुपए किलो के काबिल नहीं है वो 70 रुपए देंगे। मैं आपको क्या क्या चीज़ बताऊं, लूट मार लगाई होगी मुसलमानों के, मुसलमानों को लूटने के दिन आ गए। असल बात ये है कि मुसलमान को मुसलमानों के लूटने के दिन आ गए हैं, ठीक है। इसके बारे मुझे नहीं पता कि कोक गोरों की फैक्ट्री है, मतलब कि एजेंसी है जो, मतलब कि ये, या फिर वो यहूदियों की है, लेकिन मुझे इस बात का पता है कि वो वहाँ की जो मलका है ना, पता नहीं या फिर तब की बात है, उसने ये लिख कर लगा दिया था पूरे मुल्क में कि मुसलमानों के रोज़े हैं तो तकरीबन हर चीज़ पर रिलीफ दिया जाए। बोतलों के जो पैट थे, पैट पर ज़्यादा रिलीफ दी गई, मतलब डाला जिसमें 6 बोतलें होती हैं और एक बोतल पर थोड़ी सी कम थी, क्योंकि बोतल जब एक एक करके बिकती है तो फिर वो ज़्यादा महंगी बिकती है, ठीक है। मुझे पता चला था कि कम आधे आधे काम जो है ना वो मुसलमानों को देते थे, सिर्फ मुसलमानों को रिलीफ थी। लेकिन यहाँ पे हमारे पाकिस्तान में क्या होता है कि बोतल भी जो है वो रमज़ान में 110 रुपये की कर दी है, 1.5 लीटर की, कोक 120 रुपये की कर दी है, पहले 100 रुपये की मिलती थी। ये हालात हुए पड़े हैं हमारे मुसलमानों के। थोड़ी सी वीडियो मैंने बंद की थी, अंकल आ गए थे, उनसे बात करनी, मुझे थोड़ी सी बात भूल गई। बाद में ये कर रहा था कि मुसलमानों ने मुसलमानों को लुटन देना आ गए, ठीक है। लेकिन प्लीज़ प्लीज़ बाहर दी गोरे की गल होती उन्हें रिलीफ दिता बोतलों से, तुम सस्तियाँ लैके जाओ, हैं मुसलमान इतने टोका फेरन रखिया, ठीक है। मैं आपको बात बताता हूँ कि अगर आप कुछ ना कुछ रिलीफ अगर देंगे, आप भी अपने, अगर आपको 10 रुपये बच रहे हैं तो आप 5 अगर बचा लेंगे अपने जो है वो, तो उसमें से 5 शायद क्या आप 5 बचाएँ और 10 में वाले गाहक जगह आपको 10 रुपये बचें। मिसाल दे रहा हूँ ना, 2 गाहक कस्टमर आएँ, लेकिन अगर आप 5 रुपये बचाएँगे शायद के 5 कस्टमर आ जाएँ, वो 20 बच रहे हैं, वहाँ 25 बच जाएँ, आपका सामान भी ज़्यादा बिक जाए और आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा हो। लेकिन यहाँ पे कहते हैं कि नहीं, 2 किलो चीज़ ना बिके 1 किलो बिक जाए, लेकिन 10 किलो की बचत जो है वो 1 किलो में से ही हो जाए। तो मेरा भाई इस तरह नहीं होता ना, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट मी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, दरख्वास्त कराऊँ, अपील करता हूँ कि आप भी कुछ मुसलमानों का ख्याल रखा करें, क्योंकि वो तो होती है ना हाथ में टोपी बगल में मसल्ला, हाथ सर पर टोपी बगल में मसल्ला, जो है हाथ में चाकू पकड़ा होगा किसकी जाकर गर्दन उतारनी है, टोका फेरना जाकर रुपये रुपये। तो मेरा भाई ये बात नहीं होती,
बात ये होती है कि नियत का रोज़ा होता है, एहतराम अदब का रोज़ा होता है। अगर आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको वक्त बार वक्त मिलते रहें। अपना और अपने गिरदोनुमा का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, तो अल्लाह।